आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक है। तो हाइड्राइड्स जो है, जैसे आप सबको मालूम होगा कि हाइड्राइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट्स के साथ फॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल NaH, सोडियम का हाइड्राइड, लिथियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, ठीक है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ऑलमोस्ट सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि डाइहाइड्रोजन कंबाइन्स विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म हाइड्राइड्स। मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, मोस्टली सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाते हैं और हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन जो है वो बना रहा है उन कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे जो कंपाउंड ऑक्सीजन बनाता है उन कंपाउंड्स को हम लोग ऑक्साइड्स बोलते हैं, जो कंपाउंड सल्फर बनाता है उन कंपाउंड्स को सल्फाइड्स बोलते हैं, वैसे ही जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कर रहा है उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ऑलमोस्ट सारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या एक्सेप्शन है कि नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर जो है वो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है, ये सारे ज़िनॉन हो गया, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते। बाकी मोस्टली सारे एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो मोस्टली फोर पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग देखें तो दो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट साइड पे जो छह ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सेंटर में जो 10 ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और नीचे जो दो रोज हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक और एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, जिसमें एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड सीरीज जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी हाइड्राइड्स जो है वो ये सारे एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्राइड्स जो है ये सारी तरह के कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास मेजरली जो हमें स्टडी करनी है वो तीन मेजर हाइड्राइड्स के कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो देखो, पहली कैटेगरी जो है उसमें हम लोग बोल रहे हैं हाइड्राइड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट है आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, ठीक है। ये जो है ये उस तरह के हाइड्राइड्स हैं जिसका नाम है आयनिक। आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो है वो बना रहे हैं। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं ये ग्रुप वन और टू के एलिमेंट्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। तो यूजुअली एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आयनिक, सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इधर लेके चलूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स को, दीज आर द हाइड्राइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब क्या है कि उन एलिमेंट्स की जिनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी अपनी तरफ कम होती है वो यूजुअली आयनिक हाइड्राइड्स को जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी देख लो आप, पोटाशियम की देख लो, मैग्नीशियम की देख लो, ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो हाइड्रोजन इसमें यूनि नेगेटिव आयन्स बनाता है, एक पॉजिटिव सेंटर बनता है, एक नेगेटिव सेंटर बनता है, इसीलिए इन हाइड्राइड्स को हम लोग आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स जो हैं वो बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम लोग देखें तो वो है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप इधर देखो अगर ध्यान से, तो ये वो हाइड्राइड्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये यूजुअली पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो हैं वो इन हाइड्राइड्स को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, कार्बन का हाइड्राइड हो गया, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये बहुत फेमस हाइड्राइड है, H2O, HF हो गया। तो जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यूजुअली जो नॉन मेटल्स हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं ये यूजुअली शेयर करके हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं, तो इसलिए इनको जो है हम लोगों ने कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोला है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में देखो हमारे पास आते हैं मेटालिक
और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपने, हमने देखा कि जो ये फर्स्ट वाले हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स बना रहे हैं, सेकंड वाले हाइड्राइड्स जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बना रहे हैं, और जो नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है ये कुछ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो है वो मेटालिक हाइड्राइड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है दीज आर फॉर्म्ड बाय मेनी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से वाले हाइड्राइड्स? मेटालिक हाइड्राइड्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो मेन फोकस करने वाली है वो ये है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अभी तक देखो आप लोग जो चीजें देखते आ रहे हो, जैसे मैं बात करूं सोडियम की तो वो हाइड्राइड बनाएगा NaH, पोटेशियम की बात करूं KH, मीथेन की बात करूं CH4, NH3। तो जितने भी ये नंबर हैं यहां पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, तो एक इंटीजर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं, यहां पे देखो LaH 2.87, TiH 1.5। ठीक है, तो यहां पे जो है ये इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि जितने भी ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, इंटर एटॉमिक स्पेसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से उनमें जो साइट्स होती हैं वहां पे हाइड्रोजन जाके फिट हो जाता है। तो रेदर देन हम लोग बोलें कि इलेक्ट्रॉनिकली वो कंबाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन लूज करने से, वो सारे इलेक्ट्रॉन गेन लूज करने से नहीं कंबाइन करते, उसमें बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिसपे हाइड्रोजन जाके फिट हो जाता है। इसलिए जो है एक परफेक्ट इंटीजर नंबर की फॉर्म में जो है ये जो फॉर्मूला है वो नहीं निकल के आता। बाकी इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है मैं सारे टेकअप करूंगा एक एक करके अपनी अगली वीडियोज के अंदर, जिसमें हम लोग सेपरेट वीडियो में आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में जानेंगे, फिर कोवेलेंट और मेटालिक, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए बनाई है कि हाइड्राइड्स जो है वो होते क्या हैं और किस किस तरह का हाइड्राइड जो है हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, मेरी अगली फ्यूचर वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, जो बेल आइकन दबाइए। ठीक है, बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होप आपका हाइड्रोजन चैप्टर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। नोट्स बनाते रहिए, JEE और नीट के लिए एकदम फोकस्ड रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियोस जब तक मैं नहीं लेके आता तब तक के लिए शुक्रिया।